हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे आप लोग के साथ अपना एक थ्री यू डिज़ाइन का एक वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे पास एक और मेरे क्लाइंट की साड़ी आई है जो उसमें नहीं आ रही थी, तो वो चाहती हैं इससे उनको कुछ ऐसा यूजफुल सूट ड्रेस या कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करूँ ताकि वो इसको ईजीली कैरी कर सके। तो फिर चलिए मैं दिखाती हूँ। पहले तो मैं आप लोग को वो साड़ी दिखाती हूँ जो इस समय मेरे पास आई है, लेकिन मैंने उसमें क्या किया है, इसका बॉर्डर कट कर लिया है। पर फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए फिर ये है वो साड़ी। बहुत ही रेड कलर की है, बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ी लग रही है। मैं पहनने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लगी थी, पर मन है अपना अपना। तो ये पूरी साड़ी देखिएगा, मैंने एक्चुअली क्या किया है, इसका पल्ला कट कर लिया है और एक साइड ये भी फॉल लगा हुआ, मैंने इसका फॉल नहीं निकाला है। मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ। ये इसका नीचे का बॉर्डर है, ये इसका नीचे का बॉर्डर है। ये पूरा देखिए, बहुत ही अच्छा प्यारा सा बॉर्डर दिया हुआ है गोल्डन टच में। ये क्या था, इसमें ऊपर भी बॉर्डर था, दोनों साइड साड़ी बॉर्डर था। मैंने ऊपर का बॉर्डर जो है इसका कट कर लिया है, और ये रहा वो बॉर्डर जिसको मैंने काट के अलग कर लिया है। इसको भी मैं इनके ड्रेस में कहीं ना कहीं अटैच करूँगी, अभी तो सोचा नहीं है। फिलहाल अब इसकी कटिंग करूँगी। ये है पूरी साड़ी। इस तरह के इसमें बूटे पड़े हुए हैं, और इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें लाइनिंग लगेगी, बिना लाइनिंग के ये बनेगा नहीं है। क्योंकि इसमें बैक साइड में इस तरह से ये इसके थ्रेड निकल रहे हैं, तरीके से। तो मुझे इसके नीचे लाइनिंग लगानी पड़ेगी, और कस्टमर ने बस मुझे छोड़ दिया कि मैम जैसे चाहे आप ऐसे इसको बनाइए, बट कुछ ऐसा बना दीजिए ताकि मैं इसको पहन सकूँ। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसके जब इसका एक्चुअली मैं इसकी एक लॉन्ग कुर्ती एक शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ बस। तो देखते हैं कैसा बनकर आता है। और प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो लाइक मेरा पसंद आया तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो घंटी आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। अदरवाइज़ आप बेल नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों देखिएगा, ये है, ये कुर्ती तैयार की है मैंने। एक पुरानी साड़ी जो मैंने आपके साथ साड़ी शेयर की थी, ये जो है ये उसी साड़ी की एक कुर्ती है, जो कि ये बनकर बहुत ही खूबसूरत आई है। और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से। इसमें एक्चुअली मैंने दो कुर्तीज़ बनाई हैं, एक फुल एक शॉर्ट। ये इसकी शॉर्ट कुर्ती है, पहले मैं आपको इसकी फुल कुर्ती दिखाती हूँ। सॉरी, मेरा बुटीक ऑन रोड है, इसकी वजह से शोर बहुत आता है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिएगा, ये है फाइनल लुक मेरी उस कुर्ती का। बहुत ही सच मानिए, सच में बहुत ही सुंदर बनकर आई है। एक्चुअली मैंने इसमें क्या किया, इसमें इसका ये देखिए इतना चौड़ा बॉर्डर नहीं था। मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मैंने इसका बॉर्डर कट कर लिया था दूसरी साइड का। तो एक साइड का बॉर्डर को तो मैंने एज इट उतारा है, पर दूसरी साइड का बॉर्डर इसमें मैंने जो बचा हुआ बॉर्डर था उसको मैंने इसमें बढ़ाकर लगाया, जिसकी वजह से ये इसका जो नीचे का बॉटम का बॉर्डर है बहुत ही चौड़ा हो गया है। और सच मानिए कुर्ती बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अलग से लग नहीं रहा कि हमने इसमें कहीं से अलग से बॉर्डर बनाया है, अटैच किया है, आप देख सकते हैं। सच में बहुत सुंदर। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है, आप देखिएगा। इसमें कहीं से ये नहीं लग रहा कि हमने इसको अलग से बॉर्डर बनाया है और बॉर्डर बनाकर इसकी लेंथ को बढ़ाया है। तो एक्चुअली वो खुद भी बहुत ज़्यादा टॉल हैं, मुझे एक उनकी लॉन्ग कुर्ती बनानी थी, इसमें एक शॉर्ट बनानी थी, तो लॉन्ग कुर्ती के लेंथ नहीं आ रहा था लॉन्ग कुर्ती में उनका, तो मैंने इस तरीके से बॉर्डर बनाकर उनके कुर्ते में लेंथ को बढ़ाया है। आप लोग भी इसी तरीके से कुछ क्रिएटिविटी करके, ये तो मैंने सिंपल सा किया है, इसके अलावा बहुत सारे डिज़ाइंस बॉटम डिज़ाइंस होते हैं उनको बनाकर आप अपने कुर्तों की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो फैब्रिक बचा था, जो पल्ले का जो फैब्रिक बचा था, तो उसकी उसका साइड का मैंने क्या किया, उस फैब्रिक को वेस्ट ना करते हुए उससे मैंने उसकी स्लीव्स को स्लीव्स निकाली हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से उसका बॉर्डर जो था उसमें मैंने उस बॉर्डर को स्लीव्स में भी यूज़ किया है। और ये देखिएगा,
सच में यार बहुत खूबसूरत लग रही है। ये देखिएगा इसका फाइनल लुक, मैं आपको शायद पूरा कैमरे में ठीक से नहीं दिखा पाऊँ। ये देखिएगा ये कॉलर वाली कुर्ती बनाई है। वैसे पूरी कुर्ती सिंपल है पर ये अपने आप में ही इतनी खूबसूरत लग रही है कि इसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। इस कुर्ती को मैं साइड करती हूँ। इसके अलावा मैं इसके लिए दूसरी कुर्ती बनाई है, मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो सारे कपड़े प्रेस लग चुके हैं, मुझे दोबारा ये सब खोलना पड़ा वीडियो के लिए, बट कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, ये दोबारा से हो जाएगा। तो ये देखिए इनकी सेकेंड कुर्ती है, ये भी सेम वैसी ही बनी है जैसी मैं इनकी लॉन्ग कुर्ती बनी है, बस इसमें इनके बॉर्डर को मैंने कम कर दिया है, सिंगल बॉर्डर लिया है, इसमें डबल बॉर्डर को मैंने अटैच नहीं किया है, बॉर्डर नहीं लगाया क्योंकि मुझे इसकी लेंथ नहीं बढ़ानी थी, नॉर्मल लेंथ जो उनको आ सकती है मैंने उसमें निकाला है। और इसमें भी इसमें फुल स्लीव्स ना बनाकर और कॉलर ना बनाकर नेक बनाया है बैक साइड में, प्लस फुल स्लीव्स ना बनाकर शॉर्ट स्लीव्स बनाई हैं, बट स्लीव्स में भी मैंने बॉर्डर को ही यूज़ किया है। ये वो बॉर्डर है जो उनके नीचे की साइड में बचा हुआ बॉर्डर था, उस बॉर्डर को मैंने इसमें यूज़ किया है, पल्ला साइड यूज़ नहीं किया, तो साइड का बॉर्डर बचा हुआ था उस बॉर्डर से मैंने स्लीव्स बनाई हैं। साथ ही इसका ये आप बैक देख सकते हैं, ये इसमें मैचिंग डोरी, देखिए डोरी भी अपने आप बहुत ही सुंदर लग रही है, ये देखिएगा। तो लग नहीं रहा कि ये कि साड़ी से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दोनों ही सूट बनकर आए हैं, बस ये मेरे क्लाइंट को पसंद आ जाए तो मेरा भी मन खुश हो जाएगा यार। ये देखिएगा इस तरीके से, सच में यार बहुत सुंदर, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन सब बढ़िया, सब बहुत ही बेहतरीन, बट मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्लाइंट को पसंद आना चाहिए, प्लस आप लोग को कैसी पसंद आती है कुर्ती तो प्लीज़ मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता हो इस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कुछ और अच्छा करने के लिए। और अभी मैंने किसी भी तरीके की स्टिचिंग वीडियो नहीं डाली है, अभी तो जो मैं डिज़ाइन बनाती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग को मेरे डिज़ाइन पसंद आते हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज ज़रूर डाल दें और मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो आने वाले वीडियो आप लोग तक नहीं पहुँचेंगे। सच में बताइएगा ज़रूर कि मेरा ये आपको रीडिज़ाइन पुरानी साड़ी से नया डिज़ाइन कुछ जो मैंने बनाया है आप लोग को कैसा लगा, तो प्लीज़ 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 बताइएगा ज़रूर। बाकी मेरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू।